मैं फकीरुल्ला जो सृष्टि में सबसे तुच्छ हूँ, गायन वादन के रसिकों की सेवा में ये निवेदन करने का मान प्राप्त करना चाहता हूँ कि सन 1073 हिजरी में इस दीन की दृष्टि में एक ऐसी प्राचीन पुस्तक आई जिसकी प्रतिलिपि उसके लेखक के समय में हो गई थी और उस पुस्तक का नाम मान कुतूहल था। कहते हैं कि सबसे पहले ध्रुपद का प्रचार राजा मानसिंह ने किया जो ग्वालियर का शासक था। उसके समय में अनेक अनुपम गायक थे। राजा स्वयं उनसे संगीत विद्या के विषय में वाद विवाद करता था। इन प्रसिद्ध गायकों के नाम थे नायक बक्षु, नायक पांडवीय जो गंगा के किनारे कुरुक्षेत्र स्नान करने आया था, मोहम्मद लोहांग जिसका स्वर उच्च कोटि का था, तथा नायक कर्ण। राजा के हृदय में ये बात उत्पन्न हुई कि ऐसे उच्च कोटि के गायक एक स्थान पर बहुत कठिनाई से एकत्रित होते हैं, इसलिए उचित है कि रागों की संख्या तथा प्रकार विस्तार पूर्वक व्याख्या सहित लिपिबद्ध कर लेना चाहिए। ग्वालियर का राजा मानसिंह तोमर अपने किले के सामने na na na
तरवार तार की सिपर लिए फिरत गुनी जहां तहां जीते सुभट अपने अनुमान जहां तहां जीतत तुरत सुर कमान बोल बान छूटत जही लागत रीझत तही सभा जाने विद्याधर सब जुरत सप्तक के तरकस उचरत सुनत नेजा आसमान बख्तर बाजू लय उपज नई पंख बाजू फुरत तहां सभा के बीच नरत हरिदास डागर ज्यो ज्यो कहे त्यों त्यों सुनो सुगर सुज्ञान अज्ञान आगे फौजे मुरत।